नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं पंचायती राज विभाग के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रमोशन के साथ ही 4000 LDC पद जोड़ने का दिया तोहफा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस फाइल को दी मंजूरी। मंत्रालय कर्मचारियों के 2268 उच्च पदों पर होगा प्रमोशन। 33 संस्थापन, 66 प्रशासनिक, 451 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 843 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 1426 वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक पद पर प्रमोशन। 12,911 कनिष्ठ सहायक में से 4,000 पदों पर होगी भर्तियां। पहले वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक के पद ही थे, लेकिन अब सरकार ने विभाग में सृजित किए नए पद। यह बड़ी खबर आशीष चौहान। वाकई में यह बड़ी खुशखबरी, बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला है और लगातार पंचायती राज विभाग के जो कार्मिक थे वो सरकार से यही डिमांड कर रहे थे। बहुत सालों से आंदोलन चल रहे थे, लेकिन उस आंदोलन का असर हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फाइल पर मोहर लगा दी है, हरी झंडी दे दी है। पहले डिपार्टमेंट में वरिष्ठ सहायक और सहायक प्रशासनिक अधिकारी ही हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार ने नए पद सृजित किए हैं जिसके बाद में प्रमोशन हो सकेंगे। यानी कि जिन कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं होता था उन कर्मचारियों का प्रमोशन हो सकेगा और मंत्रालय कर्मचारियों से जुड़े 2200 से ज्यादा जो पद है उनको प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा। यानी कि अब संस्थापक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भी अब ये पद सृजित हो सकेंगे। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा तोहफा दिया है और 12,911 कनिष्ठ सहायकों में से जो 4,000 नए पदों की भी भर्तियां इसमें हो सकेगी। यानी कि LDC भी अब पंचायती राज विभाग को मिल सकेंगे। एक बड़ी सौगात है जिस तरीके से पंचायती राज विभाग में लगातार योजनाएं जुटती जा रही है और लगातार काम भी बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा फैसला लिया है और पंचायती राज विभाग को इन जो पद सृजित किए हैं उसका जो असर है वो आगे आने वाले दिनों में भी देखा जा सकेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। काफी दिनों से इंतजार था इन भर्तियों का, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दी।